हम इंतजार कर रहे थे वो इंतजार पूरा होने जा रहा है। हमारे बीच भगवान है 24 तीर्थंकर में 10वें तीर्थंकर और वो भद्दिलपुर गया के बाजू में गांव है, वहाँ पर उसका जन्म हुआ था। जन्म दीक्षा सब भद्दिलपुर गया के आगे है और यहाँ पर वो विराजमान हो रहे हैं होंगे। लेकिन विशालनाथ स्वामी का मंदिर मात्र पटना में एक ही है पूरे भारत में और वो यहाँ पर है। और हमारे गुरुदेव राजेंद्र सूरी जी आज से 12 साल पहले आए थे, चल के गुजरात, और यहाँ पर पुराना मंदिर था और यहाँ के प्रदेश पर गुरु भारतीय लोग आलो ओम रीम रीम परमगुरुदाय परमेश्वराय जन्म जन्म तिथि मानवाय रीम देवेंद्राय दीपक पूजाय जाम हे प्राण और ऊपर नमस्कार करिए यार ये मत से भगवान महावीर के जन्मभूमि है। उन्होंने शांति अहिंसा का संदेश दिया, आज उसी के कारण ये देश बचा हुआ है। जनता बहुत जगह हिंसा के द्वारा एक ने दूसरे को समाप्त किया, लेकिन जियो और जीने का संदेश उनका हमेशा ही रहेगा। आज इस मंदिर का पुनर्प्रतिष्ठा हो रही है, बड़ी प्रसन्नता है कि एक ऐतिहासिक स्थान का उद्धार हुआ और एक भगवान का जन्म। सर, पर्यटन का स्थल के रूप में पटनावासी देखना चाहते हैं, आप किस पर क्या कहना चाहेंगे? देश में जो आध्यात्मिक पर्यटन है बिहार के अलावा है, जहां तीन तीन महापुरुष का जन्म हुआ हो, भगवान बुद्ध का, भगवान महावीर का, गुरु गोविंद सिंह जी का, उससे पवित्र धरती और कौन सी होगी। तो यहां तो जो उनके दर्शन करने आएंगे वो पलटन अपने आप डेवलप हो रहा है और सदियों से कर इस मंदिर की अंजन सड़ा का प्राण प्रतिष्ठा महामहोत्सव के इस परम पावन प्रसंग पर आचार्य भगवान